राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। आज की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में श्री हनुमान जी का दर्शन होने वाला है और बहुत सारी कुछ नई बातें भी पता चलेंगी हमें। लेकिन दो प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहली चीज़, आप लोग काल को समझना चाहते हैं, टाइम को। वो पर्टिकुलर टाइम क्या था, वो पर्टिकुलर टाइम क्या था, युग व्यवस्था आदि क्या थी। मैं इसको अभी जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ले लिया तो कम से कम हमारी दो कक्षाएँ बेकार चली जाएंगी, और इसीलिए थोड़ा समय मुझे दीजिए। इसको मैं बड़े विस्तार से समझाऊंगा। इसको समझाने में मुझे 2-3 घंटे चाहिए, ठीक है ना? और मैं कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश करूं, 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये आपको ज़रूर समझाऊंगा। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो ये कि आप लोग जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी, एग्जैक्ट टाइम क्या था। हाँ बिल्कुल, साइंस युग के बच्चे हो तो आपको बिल्कुल ऐसा ही पूछना चाहिए। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, काल का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें बीच में कुछ कुछ ऐसे मिसिंग लिंक्स हो जाते हैं, ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि बिल्कुल पॉइंटेड बात नहीं हो पाती। मैंने उदाहरण दिया था ना कि जैसे लोगों को एग्जैक्ट अपना बर्थ टाइम भी नहीं पता होता, 2:25 है कि 2:40 है। वो सोचिए 7,000 साल पुरानी हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता है। एक चीज़ और है, जैसे एक बेटी है सोनिया भारद्वाज, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वो हर एपिसोड को रेगुलरली देखते हैं और बहुत इंक्विजिटिव भी हैं, जिज्ञासु भी हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूथ, क्योंकि आप ही लोगों पे संस्कृति की कमान है अब, तो जब आप बहुत ध्यान से सुनते पढ़ते हो चीज़ों को और इतनी दूर बैठकर भी जब अपने देश की संस्कृति और संस्कारों को आप याद रखते हो, ये बहुत बड़ी खुशी देने वाली बात है। आप इसका यकीन भी नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी खुशी देने वाली बात है। दरअसल विज्ञान क्या, थोड़ा सा इस बात को लेकर मैं आज की कक्षा शुरू करूंगा। एक होता है एग्जैक्ट साइंस, एक है नेचुरल साइंस, एक है स्पिरिचुअल साइंस। तो एग्जैक्ट साइंस जिसे हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं, और एक हमारी नेचुरल साइंसेस हो जाती हैं। ये जो रामायण आदि का अध्ययन है या जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको अनुमान लगाने पड़ते हैं, इन्फेरेंसेस निकालने पड़ते हैं, कॉन्क्लूजन्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय में जिस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता था वो भिन्न है। आज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वह भिन्न है, इसीलिए उसके आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिक कुछ डेट्स निकालते हैं, कुछ सिस्टम्स डेवलप करते हैं, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पता लगाते हैं और तब वह चीज़ हमारे पास पहुंचती है। इसमें कठिनाई क्यों हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसे समझना ख़ास तौर से उन सब लोगों को बहुत ज़रूरी है जो ये चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और धर्मशास्त्र प्रवेल करें, प्रसिद्ध हों।
कालजयी हो जाए, ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये देश कालजयी हो जाए, और इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। दरअसल एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हुआ, और ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये वर्ग जो है सूफी भक्ति से बहुत प्रभावित हो गया, ठीक 12वीं शताब्दी के उपरांत। गलत नहीं है, सही गलत का निर्णय मत लीजिए, और उतनी जल्दी लेना भी नहीं चाहिए। इस वर्ग को केवल अपने इष्ट का नाम जपना, उनके गीत गाना और उनमें डूबे रहना, उनमें रमे रहना, जो आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, केवल इसी में ही उनकी रुचि थी। उनकी रुचि इतिहास सम्मत नहीं थी, इतिहास को समझने में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वह लोग अपने देवी देवताओं की बात इतिहास के परिप्रेक्ष्य करना ही नहीं चाहते थे। उससे उन्हें लगता था कि हीनता आ जाएगी देवी देवताओं की प्रेस्टीज में, कमी आ जाएगी देवी देवताओं की प्रेस्टीज में। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ इस संस्कृति को। नुकसान ये हुआ कि इस संस्कृति को अवैज्ञानिक कह देना आसान हो गया। कोई भी आता है, कंकड़ पत्थर फेंक कर चला जाता है। आप ये जानते हैं आप सही हैं, आप ये जानते हैं आप भक्तिमय हैं, आप ये जानते हैं आप अपने इष्ट में एक लय हो चुके हैं, लेकिन दूसरा नहीं जानता, ये विश्व नहीं जानता। और इस विश्व को बताने के लिए ज़रूरी है कि आपको वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। क्या वैज्ञानिक भक्त नहीं हो सकता? कितने वैज्ञानिक हुए हैं भारत में जिन्होंने श्रेष्ठतम भक्ति की है, और उधर वैज्ञानिक खोज भी की है। वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाले लोग नहीं है, लैब में काम करके इन्वेंशंस करने वाले लोग हैं, डिस्कवरीज करने वाले लोग हैं, और परम भक्त भी हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अपने आश्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जियोलॉजिस्ट्स हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स हैं, लेकिन ध्यान, साधना, भक्ति, इन सब में भी वह रत रहते हैं। तो ये जो सोचा गया कि दो अलग धड़े हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति अपनी जगह है, और जो इतिहास हमारा है उसका निरूपण करना वह अपनी जगह है। जो मैंने केकई वाला आपको प्रसंग सुनाया था, दरअसल वहां परेशानी और कुछ नहीं, उनको सिर्फ ये लग रहा है होए केकई माँ को कैसे कह दिया, बस और कुछ नहीं है। वो भी नहीं जानते सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई लिखी है आप उन्हें कितने रेफरेंसेस देते रहिए वो नहीं पढ़ेंगे उन्हें, बस वो यही कहेंगे कि भला पर्वत पर, बर्फ पे, चोटी पे ब्रह्मा जी बैठे थे, कमल के ऊपर बैठे थे। वो नहीं समझ रहे कि कमल का अर्थ क्या है, लेकिन आप उन्हें चाहकर भी समझा नहीं सकते। वो वही कहेंगे नहीं कमल के ऊपर बैठे थे, ऐसा कौन सा कमल हो गया जो 7,000 साल पूर्व होता था और वो इतना बड़ा होता था, जबकि मनुष्य का सामान्य कद भी, सामान्य जो अब 5.5 फीट है, वो सामान्य कद भी 8 फीट होता था। तो ऐसा कौन सा कमल हुआ जो इतना बड़ा था कि इतने बड़े लहिम सहिम मनुष्य का भार संभाल ले, लेकिन आप उन्हें नहीं समझा सकते। आप उन्हें नहीं समझा सकते कि किस तरीके से राम और लक्ष्मण जी वनागमन कर रहे हैं, और जब वन में घूम रहे हैं वो, या ऋषि विश्वामित्र के साथ साथ वह जा रहे हैं, तो उस वक्त में जेवरात कैसे पहने होंगे? वो तो वहाँ एक रणबांकुरों की तरह से जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, रक्षार्थ जा रहे हैं। उस वक्त जेवर कहाँ से होंगे? लेकिन हम अपने भगवान को देख ही नहीं सकते बिना जेवर के। एक बार की बात है, बचपन में मैंने एक आचार्य जी से पूछा कि उस युग में ऐसा क्या होता था कि सब क्लीन शेव रहते थे।
रामायण आनी शुरू हो चुकी थी उस वक्त, तो मैंने कहा निश्चित रूप से ये ब्लेड तो होता नहीं होगा इस प्रकार से, तो क्या था और ऐसा क्या था जंगल में भी जो हमारे देवी हमारे देवतागण जो हैं वह क्लीन शेव रहते थे और उसका वर्णन पुस्तकों में क्यों नहीं है? पता है क्या उत्तर मिला? जूता, डंडा, धमकी, डांट। अगर हम तो डटे रहे अपनी सोच पर, ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, आप बताइए। अच्छा, क्यों ऐसा है कि कैलेंडर पर छपे भगवान जो ऋषि वाल्मीकि लिख रहे हैं उस शरीर सौष्ठव के भगवान से अलग है, लेकिन हमें ऋषि वाल्मीकि जो दृष्टा हैं, जो देख रहे हैं इवेंट्स को, उनसे हम प्रभावित नहीं हैं, लेकिन उन कैलेंडर पर छिपे भगवान से प्रभावित हैं। और यदि आप समझाने की कोशिश करेंगे ना, झगड़ा हो जाएगा। आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ेगा, मैंने क्या क्या नहीं झेला। इसीलिए जो युवाओं पर या जो उस सोच के लोग हैं जो जिस वक्त ध्यान साधना में जाते हैं वह सूक्ष्म तक की यात्रा कर सकते हैं, वही लोग अपने शास्त्रों को इतनी गहराई से पढ़ें कि उसकी वास्तविकता को समझ सके, तब आप सनातन की रक्षा कर पाएंगे। जैसे पूजनीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी ने की थी, अन्यथा चीजें बहुत खराब हैं। करेंगे ना आप लोग, हमारी फौज वैसी ही फौज है, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, भाषा संयत रूप से प्रयुक्त होनी चाहिए। हाँ, संविधान के तहत संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा का ये मतलब नहीं है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज से मेरा मतलब है, मतलब किसी की बेइज्जती नहीं करना, लेकिन अपना प्रश्न भी रखना। आगे बढ़ते हैं किष्किंधा कांड की तरफ। प्रभु श्री राम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि लक्ष्मण भैया उन्हें समझाते हैं। कहीं पानी पड़ता देखते हैं तो उन्हें माँ सीता की याद आ जाती है कि सीता देखती तो कैसा लगता, कितना अच्छा होता। कहीं फूल खिलते देखते हैं तो माँ सीता की याद आ जाती है। कहीं पशु पक्षियों को विचरता देखते हैं तो माँ सीता की याद आ जाती है। इतने व्याकुल, इतने परेशान, चीख रहे, और भैया लक्ष्मण उन्हें समझा रहे हैं, वो कल्पनाएं कर रहे हैं। जैसे अवश्य जहां सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, यानी वसंत चल रहा है अभी, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयने सीता कैसे जीवित रह सकेगी। बार बार इसी प्रकार से विलाप कर रहे हैं, बच्चों की तरह से रो रो के विलाप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम शत्रु के लिए बेहद कठोर है, अन्यथा वो बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, उनका हृदय बहुत विशाल है और वो बेहद भावुक है। वो लक्ष्मण जी के लिए विलाप करते हैं, वो भरत जी के लिए और दशरथ जी के लिए क्या स्थिति हुई उनकी, बेहोश हो गए, लेकिन वो है ऐसे और इसीलिए हम उन्हें पसंद भी करते हैं, इसलिए वो हमारे भगवान भी हैं। खैर, सुग्रीव की तरफ ये लोग चलते चले जा रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे वृक्ष आदि पड़ रहे हैं जिनका वर्णन मैंने आपसे किया ही है, और हर जगह वो वही बात कहते हैं, सीता जी का स्मरण उन्हें बार बार होता चला आता है। और एक बार जब वो देखते हैं वहाँ
बहुत सुंदर है, वो ऋषिमुख पर्वत जो है ना बहुत सुंदर है। और एक स्थान पर तो वो ये भी कहते हैं राजकुमार लक्ष्मण भैया से, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी मेरी बहुरानी कहाँ है, क्या जवाब दूंगा। इसलिए वो बार बार कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम चले जाओ, मुझे वन में छोड़ जाओ, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। इतने द्रवित भगवान हैं, हैं? लेकिन इतने द्रवित हो चुके हैं। ये सीखने वाली बात है कि अपने जीवन संगनी को इसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए, और ये भी सीखने वाली बात है कि अपने एक्सप्रेशंस को खुल के अभिव्यक्त भी करना चाहिए। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि छोटे भाई उन्हें समझा रहे हैं, अहंकार नहीं है। लक्ष्मण उन्हें समझा रहे हैं, यहां भी समझा रहे हैं, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्वक विचार त्याग दीजिए। लक्ष्मण जी उन्हें समझा रहे हैं। खैर, ये उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, वहां पर वानर हैं। अब यहां से एक बात शुरू मैं करना चाहता हूं। देखिए, वानर का अर्थ है वन में रहने वाले नर, इसके अतिरिक्त कोई उसका अर्थ नहीं। वानर की अनेक प्रजातियां हैं, उनमें से एक प्रजाति कपि भी है। इसी प्रजाति के श्री हनुमान जी हैं। इस प्रजाति की नाक अजीब सी होती है, ये बहुत विशालकाय लोग होते हैं, बहुत बलिष्ठ होते हैं, शरीर एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और जो टेल वो होती है ना हमारी कमर के सबसे नीचे, वो टेल वो थोड़ी सी 4 से 5 इंच बाहर निकली हुई होती है, उसे ढकने के लिए ये बहुत सारी सुंदर सुंदर वेशभूषाएं या बनाते हैं, जिसे हम पूछ कहते हैं या पूछ समझते हैं। आज भी उन इलाकों में देखिए, आदिवासी लोगों ने या वनवासी लोगों ने अपनी संस्कृति हजारों वर्ष से अक्षुण रखी है, इंटैक्ट रखी है। आज भी मनुष्यम देखा है, वह कमर पर इस प्रकार से कमरबंद बांधते हैं, उसमें एक पूंछ भी निकलती है और बलिष्ठ होते हैं, उनके शरीर पर रोए बहुत होते हैं और हल्के पीलेपन लिए हुए भी रोए होते हैं, जिसका वर्णन यहां पर किया भी गया है। उनकी पूजा पद्धतियां वही हैं। कभी आप भोपाल जाएं तो वहां पर ट्राइबल म्यूजियम जरूर जाइएगा, वहां पर आपको ट्राइब्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र है। यहां से लेकर कर्नाटक तक बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी, तो जहां म्यूजियम हो जरूर जाइएगा। आदिवासियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो लक्ष्मण जी की पूजा तो करता है, राम जी की नहीं करता। ये आपको भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम में मिलेगा, वो किस तरीके से घर बनाते थे, कैसे रहते थे, ये सब आपको मिलेगा। तो ओरंगुटन, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, चिंपैंजी ओरंगुटन मैंने सोचा अवॉइड करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, और हनुमान जी मेरे ओरंगुटन थे। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी ओरंगुटन नहीं है, लेकिन जो ब्रीड है वानरों की, ये दो हिस्सों में बांटी जाती है, एक छोटे और एक बड़े। बड़ों में एक कपि अलग है, नियंडरथल रेस के ये करीब हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इनके शरीर में बेचैनी बहुत ज्यादा है, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत लंबी कूद मारते हैं, इतने बड़े बड़े शरीर के बावजूद ये पेड़ों पर बहुत ऊंचाइयों में चले जाते हैं, लेकिन रहते ये गुफाओं के अंदर है, ये गुफा संस्कृति है। ऋषिमुख पर्वत पर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनको इन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया है और ये वहीं रहते हैं।
एक पूरी एक छोटी सी नगरीय सभ्यता है गुफाओं के अंदर, और ये बेहद पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये चंचल बुद्धि के हैं, और इसीलिए बार बार इन्हें चंचला चंचला कहा गया है। चंचल बुद्धि के हैं ये, बड़े बेचैन रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज है और ये इसी में लिखा गया है, लेकिन यह बंदर नहीं है, बराए मेहरबानी इन्हें बंदर मत कहिए, इनकी बहुत बड़ी बड़ी पूछ मत दिखाइए। क्यों? ऐसे मान के देखिए कि जैसे लंका में जब श्री हनुमान जी की पूंछ जलाई थी, अब आप समझिए अगर वो शरीर का एक हिस्सा होती तो श्री हनुमान जी को कितना कष्ट होता। और शरीर में ऐसा कोई हिस्सा जो बहुत लंबा हो जाता हो, छोटा हो जाता हो, लंबा हो जाता हो, छोटा हो जाता हो, एक हिस्सा विशेष, पूरा शरीर ऐसे होता अडिमा गरिमा आदि सिद्धियों की वजह से, लेकिन केवल एक अंग विशेष ऐसा होता हो, इतना लंबा और छोटा, इतना लंबा और छोटा, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। ऋषि वाल्मीकि ऐसी कोई बात नहीं कहते। अब बहुत सारी चीजें भाव में लिखी हैं। अब जैसे आप ये कह दें कि ये क्यों हो गया, और कोई आपको उदाहरण दे भगवान की इच्छा थी, अब आप इसके आगे क्या बोल पाएंगे? चुपचाप सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो डांट खाएंगे, झगड़ा होगा। तो खैर, हम उनसे अलग ही अपनी बात करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें से उनकी मानसिक गति की बात करते हैं, मन की गति से वह नहीं चलते, लेकिन उनका मन बहुत गतिमान है, स्थिर नहीं है। देखिए, थोड़े से भी फर्क बहुत हो गया। और अभी चूंकि बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आगे जाकर मैं श्लोकों के आधार पर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक्स सीख लीजिए, जिससे जब हम और गहराई में उतरे तब आपको ये सारे प्रश्न ना पूछने पड़े। तो यह है वानर, इन्हें केवमैन भी कहते हैं, यद्यपि केवमैन के बारे में जो पाश्चात्य खोज हुई है वो सारी खोज अफ्रीका और उसके आसपास या मेक्सिको के आसपास ही सीमित रही है, लेकिन भारत में केवमैन हैं और बर्मा वगैरह में तो खूब हैं, आज भी हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे आपको लगेगा कि अरे तो हनुमान जी है या उनके वंश का कोई खड़ा हुआ है। अब कुछ और बातें हम करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो वही कह रहा हूं जो ऋषि वाल्मीकि ने कहा। तो सारे वानर इकट्ठे होकर सुग्रीव पर पहुंचते हैं कि कोई दो लोग वेश धर के आ गए हैं। सुग्रीव को डर किस बात का है? बाली का डर है। बाली और सुग्रीव ऐसे तो भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच में वैमनस्य से चरम पर है, और बाली ने सुग्रीव को और उनके साथियों को निकाल दिया है, और यह लोग उस पर्वत पर किसी तरीके से रह रहे हैं, और डर रहता है कि कहीं बाली या उसकी सेना के लोग आके इन्हें मार ना दें। बाली कांटा मानता है सुग्रीव को, यद्यपि बाली बहुत वीर है और रावण को तो उसने बगल में दबा लिया था और घुमाए फिरा था, ठीक ठाक पिटाई की थी रावण की, लेकिन बाली सुग्रीव से दुश्मनी रखता, उसकी पत्नी चुरा ली, उसने राज्य चुरा लिया, और ये दर दर भटक रहे हैं। तो जब इन दोनों को आता देखा, दोनों भाइयों को, तो ये डर गए, और डर के क्या कहते हैं, बातचीत करने में कुशल हनुमान जी सुग्रीव से बोले। आप बताइए बंदर कैसे बोलेगा? बंदर के पास कोई भाषा होती है, शब्द होता है क्या? एक या दो प्रकार की वो आवाजें निकालते हैं जिन्हें हम शब्द कह सकते हैं,
लेकिन वैसे कोई शब्द थोड़ी होता है ऐसे करके कुछ आवाजें निकालते हैं, अब चूंकि मैं वो नहीं हूं तो वैसी आवाज नहीं निकाल सकती। तो हनुमान जी उनके पास जाते हैं और जब हनुमान जी उन दोनों भाइयों के पास जाते हैं तो तपस्वी का रूप धारण करके, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो जाति है वहां पर यह रूप बदलने में माहिर लोग हैं। आपने देखा उधर मरीच भी था, तो ये रूप बदलने में माहिर लोग हैं। तो हनुमान जी कैसे क्या सोचते हैं कि कपि रूप में, बार बार शब्द कपि आया है, बंदर नहीं आया है कहीं। गोसाई जी ने भी कपि शब्द का इस्तेमाल किया है। तो रूप का परित्याग करके भिक्षु का रूप धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया, बन नहीं गए। ठीक, आगे सुनिए। अब ये श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, क्यों चतुर हैं, प्रशंसा करके निकलवाना चाहते हैं उनके मन में क्या है, क्योंकि वह दोनों भी साधु वेश में हैं, इसलिए ये भी भिक्षु साधु वेश में आ गए हैं और अब उनसे बात कर रहे हैं, तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम्हारे खड़ग बहुत सुंदर हैं, खड़ग तलवार ये लगी रही है उनके हर वक्त, तो तुम्हारे खड़ग भी बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब जो है तुम बहुत विद्वान लोग हो, तुम्हारी आभा ऐसी है, तुम्हारी आभा ऐसी है, जिससे कि वो लोग इनकी बातों में आकर और अपने आने का प्रयोजन बता दें। चलो कितने चतुर हैं, कितने चतुर हैं। तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये दोनों नुकसान पहुंचाने नहीं आए। फिर वह संदेश देते हैं कि धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं और मुझे उन्हीं का मंत्री समझें। अब ये अपना परिचय देते हैं, मैंने कहा ना बार बार परिचय देते ही बहुत है हमारे यहाँ, तो ये परिचय देते हैं, मैं वायुदेव का वानर जातीय पुत्र हूँ, मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ, इस वक्त सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार से ये वायुदेव के पुत्र हैं। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये जहां चाहे जा सकते हैं, तेज गति से चल सकते हैं, जैसे कहते हैं ना हवा से बातें करने लगी। अब हमारे पास एक साइकिल होती थी, हम उसे बहुत तेज चलाते थे और ये सोच के चलाते थे कि अम्पाला भी इतनी तेज थोड़ी चलती होगी। अम्पाला उस वक्त की एक बड़ी मशहूर गाड़ी होती थी, किशोर कुमार जी के गाने में वर्णन भी आया, कारों में कार सुनी अम्पाला। तो हमारी किसी ने घर पर शिकायत की और शिकायत करने में ये कहा ऐसी साइकिल चलाता हवा से बातें करती है। अगर यही चीज शास्त्र इस प्रकार से जो लोग पढ़ते हैं शास्त्र का अर्थ ना समझे बिना, तो वो क्या करेंगे, भाई साहब ऐसी साइकिल थी बिल्कुल हवा की गति से चलती थी, हवा में उड़ जाती थी, यही बात करेंगे। वहां हवा से बातें करना क्या है, अलंकार है, रिटोरिक है। तो तीन प्रकार के अलंकार, उपमा रूपक और पर्सोनिफिकेशन, इस प्रकार के तीन अलंकारों का बहुत प्रयोग होता है। हालांकि यमक आदि का भी प्रयोग खूब हुआ, लेकिन इन तीन अलंकारों का प्रयोग समझने की जरूरत है। हम काव्य की दृष्टि से भी देखें इतिहास को, और इतिहास को मतलब और काव्य को इतिहास की दृष्टि से भी देखें, ये खूबसूरती है इस साहित्य की। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी जो बातें सुनी ही, तो रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा, जो उन्होंने कहा इसे सुनो, तो गर्व होगा हमारे भगवान हनुमान के ऊपर। वो कहते हैं कि तुम हनुमान जी से बात करो,
तुम मेरे मंत्री बनके हनुमान जी से बात करो, क्योंकि वो कुछ खास है। क्या खास है? जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। कितने पढ़े लिखे हैं हनुमान जी। और इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं, वाद्य यंत्र बजाने में सानी नहीं उनका, बड़ा सुंदर गाते हैं। प्रभु श्री राम का दिल बहलाते रहते थे भजन गा गा के, भजन सुना सुना के, तुम्हारे भजन राम को भावे। मैं तो इसका यही अर्थ लेता हूं। अभी चूंकि मैं गोसाई जी का रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं केवल और केवल ऋषि वाल्मीकि की बात ही कर रहा हूं यहां पर। फिर आगे कहते हैं, निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सारी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। देखिए, जो अच्छी भाषा बोलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं संस्कार युक्त भाषा। संस्कार युक्त बोलते हैं, यानी ऐसी सुंदर भाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ भाषा पर इतना बल दिया जाता था, लेकिन हम अपने आप को जिनकी संतान कहते हैं, कभी कभी बहुत दुख होता है, हमारे लोगों की भाषा बहुत राक्षसी होती चली जा रही है। कितना प्यार से लिख रहे हैं। तो आप लोग कभी भी देखे, हाँ क्रोध कभी ना कभी तो आएगा ही, क्रोध में कुछ शब्द भी निकल जाते हैं, लेकिन असंस्कृत भाषा, असंस्कारी भाषा ना बोला कीजिए। और सोशल मीडिया के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग इतने महान ऋषियों के और भगवान के वंशज हैं। एक चीज सुनिए, संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौ, अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो ऐसा ज्ञात नहीं हुआ। अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, यू नो, पूरा ऐसा नाव चला देते हैं, एक वर्ड निकलता है, देखा होगा आपने, वेरी लाउड जेस्चर्स, ये परमिसेबल नहीं है, ये अच्छी निशानी नहीं है। हम जिस शब्द को बोल रहे हैं सभ्यता पूर्वक, वैसी ही भंगिमा हमारे हाथ की, ललाट की, भवों की, नाक की, आंख की, होंट की होनी चाहिए, लेकिन हम बोलो बोलो ऐसा लगता है, निकालो तो शब्द तो निकालो, यू नो, अरे हाँ आई नो, व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द आइडिया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सेलिब्रिटीज को, जब वो साक्षात्कार देते हैं टेलीविजन पर, तो मन करता है मैं यू हाँ शब्द तो बोल, यू नो, अरे आई नो बोल तो, और मुझे अगर सभी कुछ पता होता तो मैं तुझे ही क्यों सुनता, बोल तो। तो ये चीजें या स्लैंग्स, इनसे बचते थे हम लोग, और आज भी हमें बचना चाहिए। हाँ, इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से, मैंने आपको बताया था ना, वाणी के तीन हिस्से हैं, हृदय, ये और ये, तो मध्यमा वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है, कंठ में बैखरी, बैखरी जो शब्द होती है कंठ से उसका उच्चारण होता है, अतः बोलते समय इनकी आवाज ना धीमी रहती है ना बहुत ऊंची रहती है। क्या बात है, कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं श्री राम जी, उसे हम समझते ही नहीं। इसलिए हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा ये वाणी को अभिव्यक्त करते हैं। ये है हमारे श्री हनुमान जी, है ना। तो अब जो है, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति वह बंदर कैसे हो गया, है ना, ये प्रश्न है ना। तो हमने जो दो लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया, एक श्री हनुमान जी के साथ और एक श्री नारद जी के साथ, दोनों को हमने हास्य उत्पन्न करने वाला चरित्र बना दिया, ना ये पूजनीय है, परम पूजनीय है। श्री हनुमान जी तो श्री राम जी से थोड़े बड़े भी हैं, परम ज्ञानी हैं वे, ठीक है नगरीय सभ्यता से दूर हैं,
लेकिन वो परम ज्ञानी है और बार बार इसकी बात हो रही है। उसके बाद वहाँ पर वो पांचों बानर भी मिले जिनके पास माँ सीता अपने आभूषण फेंक गई थी, और उसमें बाजूबंद थे, कड़े थे, बिछुआ थे। यहाँ के लिए लक्ष्मण कहते हैं, देखिए थोड़ी सी चीज़ में अंतर कितना हो गया कि मैं बिछुआ तो पहचानता हूँ, पैर छूता था, मैं देखता था, बाजूबंद नहीं देखता था मैं इसका। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देखता था, केवल पैर ही पैर देखे मैंने इतने दिनों, ना ना ना, ये मतलब नहीं, क्योंकि पिछले अध्याय में आया ना, बारंबार देखते हुए जा रहे हैं ऐसे ऐसे गुस्से में। तो बाली के वध की अब चर्चा शुरू हो रही है। सुग्रीव कहते हैं, तुम मेरा राज मेरी पत्नी मुझे दिलाओ, मैं तुम्हारी पत्नी ढूंढवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों के बीच में डील होती है। ये राजाओं का व्यवहार है, दोनों के बीच में वह डील होती है, और उसके बाद बाली से श्री राम जी का युद्ध होता है, जिसका आपको पता ही है बाली मारा गया। और बहुत सारे लोग इसको मुद्दा बनाते हैं, चूंकि वह आदिवासी है, मूल निवासी है, इसलिए बाली को मारा। तो आदिवासी और मूल निवासी तो हनुमान जी भी है, उनको गले से क्यों लगाया, ये प्रश्न किया करो ना, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स हैं। भाई बाली को इसलिए मारा क्योंकि उसने उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मारना उसको मजबूरी। वो राम जी से युद्ध आतुर हो गया, इसलिए मारना जरूरी है क्योंकि वह स्त्रियों के साथ प्रमाद में लिप्त रहता था और वो गलत रास्ते चल दिया था, जबकि उनका बेटा अंगद उस रास्ते पे नहीं था, वह महात्मा है। एक राक्षस का बेटा महात्मा और महात्मा का बेटा राक्षस दोनों हो सकते हैं, दोनों उदाहरण हमारे सामने, रावण और अंगद। इसलिए बाली का वध किया गया। अब ये प्रश्न होता है कि पीछे से क्यों वध किया गया, इसका उत्तर कल दूंगा। आज के लिए इतनी ही बातचीत, और जितनी बातचीत मैंने आज कही इस पर मनन कीजिएगा, और जो मैंने आज से आपको तथ्यों के साथ कुछ बातें कही हैं इस पर मनन कीजिएगा, श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा, और श्री हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि श्री राम उनके बारे में क्या कह रहे हैं। चाहे आपको दो या तीन बार ये वीडियो देखना पड़े बार बार, लेकिन आप इसे रिवाइंड कर करके देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी संस्कृति की रीढ़ हैं और हमें इसे समझना ज़रूरी है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत सुखी रखे, श्री राम जी की कृपा आप पर बरसती रहे। आइए बोलते हैं सियावर राम चंद्र जी की जय। राम राम।